दोस्तों, मुझे पता है कि टिकी एप्लीकेशन पर आप कई दिनों से मेहनत कर रहे हो और आपको वाइट टिक तो मिल गया है, लेकिन ग्रेवी टिक के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ग्रेवी टिक आपका अपग्रेड नहीं होता है। तो उसके पीछे कुछ रीजन है, मैं आपको आज अब कुछ क्लियरली बता दूंगा, क्योंकि मुझे जब ग्रेवी मिला उसके बाद सारे रीजन मुझे पता चले कि मुझे जो ग्रेवी नहीं मिल रहा था उसका क्या प्रॉब्लम था, उसके क्या रीजन थे। तो सारे के सारे रीजन में आपको एक एक करके बताने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, ताकि आपको भी अगर वाइट टिक मिल गया है तो ग्रेवी भी आपको तुरंत मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 15-20 दिन में आपका ग्रेवी अपग्रेड हो जाएगा पक्का, क्योंकि मैंने भी ट्रिक आजमाई थी और सारे के सारे जो तरीके थे मैंने आजमा लिए, और मेरी खुद की 5-6 आईडी थी टिक्की एप्लीकेशन की और सभी में मैंने मेहनत की थी। तो मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मेरी 5-6 आईडी थी टिक्की पर, ठीक है। अगर आपकी एक ही आईडी होगी और उसी पर आपको फोकस करना है, बस एक आईडी होगी तो सब कुछ आपको आराम से मिल जाएगा। तो इसके पीछे जो रीजन थे मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर जाकर बताऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आएंगे। तो चलिए दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टिक्की एप्लीकेशन पर मेरे खुद के 5 अकाउंट थे, ठीक है। पांचों अकाउंट में मैंने सेम ही सेम कंटेंट डाल के रखे थे, तो इसी वजह से मेरा जो ग्रेवी अपग्रेड था वो रुक गया था, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जब ग्रेवी मिल गया एक अकाउंट पर, जो ग्रेवी का ट्रिक है मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो में बता दिया है, तो उसे आप अप्लाई कर सकते हो। वो वाली वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ग्रेवी टिक कैसे लेते हैं उसकी सिंपल ट्रिक जो है वो वीडियो आपको देख लेनी है, ताकि आपको ग्रेवी मिल जाएगा, ग्रेवी टिक आपको एकदम आसानी से मिल जाएगा यहाँ पर। तो जो ट्रिक मैंने बताई है उसे अप्लाई करना है, और इसके लिए और एक न्यू वीडियो भी बनाने वाला हूँ पर्सनली, तो वो आप सब देख लेना, इसके बाद आएगी। तो पहले ये वीडियो अगर आपने देख ली है तो उसको देखने का वेट ज़रूर करना, वो भी कुछ ही दिन में आ जाने वाली है। तो अभी हम बात करते हैं नोटिस ऑन डुप्लीकेट अकाउंट रूल, ठीक है। तो डुप्लीकेट अकाउंट होगा अगर आपके टिकी अकाउंट में एक से ज़्यादा अकाउंट है, तो डुप्लीकेट अकाउंट का नोटिस आपको मिल सकता है दोस्तों। और ये सारे रूल्स हैं, मैं आपको एक बार पढ़ के भी दिखा देता हूँ। तो डुप्लीकेट अकाउंट पे यहाँ पर मुझे दो लैंग्वेज में नोटिस आया है, जो हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। तो हिंदी में मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा। तो हमारा ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ओरिजिनल टैलेंट को प्रमोट करता है। थैंक यू, आप वेरीफाई हुए हैं आपके ओरिजिनल कंटेंट पोस्ट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर साफ लिखा है दोस्तों कि टिक्की कैमरा यूज करके अगर ओरिजिनल कंटेंट आप खुद के बना कर डालते हो तो एक बेनिफिट्स ये है ग्रेवी टिक अपग्रेड के लिए। तो दोस्तों, आपको भी यही करना है। दूसरा है, रिसेंटली हमने ये देखा है कि कुछ क्रिएटर ने खुद का 2 से ज़्यादा अकाउंट बनाया है टिक्की ऐप मुझे टिक्की ऐप में, जो वेरीफाई भी हुआ है, बट वो हमारे कम्युनिटी रूल्स के अगेंस्ट है, यानी कि रूल्स के खिलाफ है दोस्तों। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि आपके टिक्की एप्लीकेशन पर 2 से यानी कि 1 से ज़्यादा अकाउंट हो गए तो वो खिलाफ है रूल्स के खिले, ठीक है, कम्युनिटी के खिलाफ है। अगर आपका भी दोस्तों यहाँ पर 2 अकाउंट है या 2 से ज़्यादा अकाउंट है टिक्की एप्लीकेशन पर, तो उसे तुरंत डिलीट करें, सारी की सारी वीडियो है उसे हटा दे और अकाउंट क्लोज कर दे। और जो भी अकाउंट आप अच्छे से यूज़ कर रहे हो, सिर्फ एक ही अकाउंट पर फोकस रखो। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ग्रेवी टिक भी आपको मिल जाएगा और इसके साथ साथ ब्लूवी टिक भी मिल जाएगा दोस्तों। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जो मैंने गलती की है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे खुद के 5 अकाउंट थे दोस्तों और सारे के सारे मैंने अप्लाई करके रखे थे। वाइट वे भी मुझे कई सारे अकाउंट में मिल गया था, लेकिन जो भी एक अकाउंट था मेरा, अभी ग्रेवी मिल गया है, सिर्फ मैं अभी यही चला रहा हूँ। और ग्रेवी मिलने के बाद मुझे ये नोटिफिकेशन मिला था, तो सोचा चलो दोस्तों सभी को बता देता हूँ, जो अभी तक मेहनत कर रहे हैं और अभी तक ग्रेवी नहीं मिला है उनको अगर ये प्रॉब्लम आती है तो शायद यही रीज़न हो सकता है। तो सोचा चलो एक वीडियो में उनके लिए बना देता हूँ। तो आपको भी यही करना है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट पे फोकस रहना है। अगर 2 अकाउंट है तो उसकी सारी वीडियो डिलीट कर दो और डुप्लीकेट अकाउंट का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। और ऐसे में क्या, अगर ग्रेवी टिक मिलने के बाद ये नोटिफिकेशन आता है तो आपको तो समझ में ही नहीं आएगा कि मेरा अकाउंट ग्रेवी क्यों नहीं मिल रहा, ठीक है। तो यही रीज़न हो सकता है दोस्तों। तो आप अगर वाइट वी में मेहनत कर रहे हो तो अगर दूसरी अकाउंट से भी आप पोस्ट डालते हो तो सिर्फ एक अकाउंट से ही डालो और दूसरा अकाउंट क्लोज कर दो। तो यही करना है दोस्तों। इसके बाद हमारे ऐसे क्रिएटर के ऊपर स्ट्राइक एक्शन लिया जाता है, उनके डुप्लीकेट वेरीफाइड प्रोफाइल हो हम हटा देंगे, ठीक है, साफ बोला यहाँ पर।
और उन क्रिएटर को एक महीने के लिए टिकी से कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ साफ साफ लिखा है, अगर आपका भी एक से ज़्यादा अकाउंट है, दोनों में मान लो कि ग्रेवी मिल गया है, ठीक है, और दोनों में आप सेम टू सेम कंटेंट डालते हो और सिस्टम को पता चल जाता है कि आपके दो अकाउंट हैं यानी कि डुप्लीकेट अकाउंट आप यूज़ कर रहे हो, तो सिंपल सी और जाहिर सी बात है दोस्तों कि आपके दोनों अकाउंट एक साथ बैन कर सकता है, उसके पास हक है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लिखा गया है दोनों अकाउंट को हम हटा देंगे, स्ट्राइक लगा देंगे, एक्शन लगा देंगे और कोई भी पेमेंट आपको रिसीव नहीं होगा दोस्तों। सिंपल सी बात है, अगर अकाउंट ही बैन कर देंगे, डिलीट कर देंगे, हटा देंगे तो पेमेंट भी कैसे आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट पर फोकस करना है। अगर दोनों अकाउंट साथ में चलाते हो और दूसरा कोई अकाउंट है आपका तो उसे मत यूज़ करो, सिर्फ एक पर फोकस रखो, ठीक है। अब लास्ट में दोस्तों ये लिखा है, किंडल इन नॉट हम सभी टैलेंट क्रिएटर को सपोर्ट करते हैं लेकिन इस तरीके के डिसेप्टिव बिहेवियर को हम सपोर्ट नहीं करते हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, आपको अगर ग्रेवी नहीं मिल रहा है तो आप शायद दो अकाउंट से टिकी एप्लीकेशन को चला रहे होंगे, तो डुप्लीकेट अकाउंट आपको नहीं करने हैं, सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट पर फोकस रहो और उस पर अपना बेस्ट दो, ठीक है। तो आपको भी ग्रेवी मिल जाएगा। ग्रेवी टिक नहीं मिलने का सबसे बड़ा रीज़न यही है दोस्तों, आप डुप्लीकेट अकाउंट चला रहे हो, ठीक है। अब लास्ट में एक और बात है, आपके साथ मिलकर हम उम्मीद करते हैं कि टिकी को फ़ायदेमंद और सेफ प्लेटफॉर्म बनाए रखें जिसमें क्रिएटर के एक बेहतरीन और पॉजिटिव कम्युनिटी हम बना सके, ठीक है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, सारे के सारे डुप्लीकेट अकाउंट फाउंड के जो मैंने रूल्स आपको समझाए ये आपको फॉलो करने हैं, और मेरा जो दूसरा अकाउंट था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ जिसमें मुझे डुप्लीकेट अकाउंट का जो नोटिफिकेशन आया था, तो आप देख सकते हो ये दोनों मेरे अकाउंट है, तो मैंने सारी वीडियो यहाँ से हटा दी है, आप देख सकते हो दोनों अकाउंट की, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको भी कर देना है, अगर दो से तीन या तीन से ज़्यादा अकाउंट आप चलाते हो तो उसे डिलीट कर दो सारी वीडियो और एक अकाउंट पे फोकस रहो। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरा ग्रेवी टिक वाला अकाउंट ये वाला है ओरिजिनल अकाउंट, और सिर्फ इसी पर मैं सारी पोस्ट डालता हूँ, मेरी 152 पोस्ट हो गई है, तो अच्छी खासी ग्रो मिल रही है यहाँ पर और स्टार वगैरह सब कुछ मुझे मिलता जाता है, आप देख सकते हो। तो आप भी यही करो दोस्तों, सिर्फ एक अकाउंट पर फोकस रहो, आपको भी जल्दी से ग्रेवी मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।